अपनी कंट्री इंडिया के बारे में इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर में ओके स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर वी विल बी रीडिंग एंड लर्निंग अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स फर्स्ट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर वी विल रीड सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आर कंट्री इंडिया

ठीक है हमारी कितनी स्टेट्स हैं कितनी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के नेबर्स कौन है हम ये पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशनल सेटिंग के बारे में एंड देन वी विल रिकॉल द चैप्टर विद हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस क्योंकि रिविजन के बिना पूरी लर्निंग खराब है यू विल हैव टू असेस कि आपने कितना पढ़ा और आपको कितना याद है ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द चैप्टर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ठीक है तो हमने बोला कि हम इस चैप्टर में अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे एंड वी so, हमारी जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही एक्सपैंडेड है केवल माउंटेन्स या रिवर्स पर सीमित नहीं है वी हैव माउंटेन्स हिल्स ग्रीनरी प्लेन एरियाज प्लेटो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स वेरियस टाइप्स ऑफ घाट्स ओशन इज वेल नियर टू अर्स ओके हमारी जोग्राफिकल वास्टनेस बहुत बड़ी है ओके okay? तो एक एक फीचर को आराम से पढ़ते हैं इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय नॉर्थ में इंडिया के नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालय है अरेबियन सी इन द वेस्ट साइड दिस इज द वेस्ट साइड अरेबियन सी है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट साइड यहाँ पे एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ और सदर्न पोर्शन में वी हैव इंडियन ओशन शोर्स ऑफ द इंडियन पेनसोला ओके और पेनसोला का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पेनसोला क्या होता है कोई भी ऐसा लैंडमार्क जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरी होती है तो जैसे इंडिया का आप ये वाला पोर्शन देखो इफ यू लुक है डेकेंड पोर्शन ऑफ द इंडिया सो एट द राइट साइड एट द राइट साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल एट द लेफ्ट साइड वी हैव अरेबियन सी लेट्स नॉट यूज लेफ्ट एंड राइट वी यूज वेस्ट एंड ईस्ट सो ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव अरेबियन सी एंड ऑन द सदर्न साइड वी हैव इंडियन ओशन ओके इंडियन ओशन सो अंडम विच इज कवर्ड बाई वॉटर फ्रॉम थ्री साइड इज अ पेनेसुला तो इसीलिए हम लोग इस इंडिया के सदर्न पोर्शन को इंडियन पेनेंसुला कहते हैं ठीक है तो अभी तक हमने पढ़ा लॉफ्टी माउंटेन्स के बारे में अरेबियन सी बे ऑफ बेंगाल और इंडियन ओशन के बारे में आगे फीचर्स देखते हैं इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है डेम अगर भूल भी जाते हो कोई बात नहीं लगभग लगभग याद रखो दैट वी है किलोमीटर एरिया ऑफ द कंट्री द नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड नॉर्थ से साउथ का जो एक्सटेंट है इट इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी ठीक है सबसे टॉप पे हमारे पास जो स्टेट है वो है कश्मीर सॉरी सिटी है वो कश्मीर और लास्ट में एकदम लास्ट पॉइंट हमारी कंट्री का है कन्याकुमारी ठीक है हम एकदम यहाँ वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना एकदम टॉप पे वो थोड़ा डिस्प्यूटेड है वो इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करते हैं ठीक है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट है एंड इट इज अबाउट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स ये पूरा एरिया जो है ना 3,200 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है ठीक द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर और अगर हम अरुणाचल प्रदेश के इस एरिया की बात करें और गुजरात में कच्छ की बात करें तो यहां पूरा एक्सटेंट है हमारा कितना 2,900 किलोमीटर का ठीक है ये एक्सटेंट आपको बच्चों पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट है 3,200 किलोमीटर किलोमीटर्स और ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट है 2,900 किलोमीटर किलोमीटर्स हम लोगों ने यही वाले पॉइंट्स क्यों लिए हैं क्योंकि यही सबसे पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा डिस्टेंस यही कवर करते हैं ठीक नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है 3,200 किलोमीटर किलोमीटर्स ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस है टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है द लॉफ्टी माउंटेन्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान में हमारे पास डेजर्ट भी है द नदन प्लेन ये प्लेन रीजन द अन ईवन प्लेटो प्लेटो है हमारे पास थोड़ा सा अन ईवन है द अन ईवन प्लेटो सर्फिस एंड द कोस्ट ये जो कोस्ट है हमारे पास वेस्टर्न घास ईस्टर्न घास पूरा कोस्टल रीजन है कोस्टल रीजन क्या होता है सी के पास वाला एरिया है ना So, we have the entire Western Ghats and the Eastern Ghats as the coastal area as well. And the islands, paas islands bhi we have Lakshadweep Islands, Lakshadweep on the western side, and Andaman and Nicobar Islands on the eastern side. So, we have islands also. प्रजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स आपको यही से समझ में आ गया होगा दैट इंडिया के पास कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है देखो हम लोगों ने देखा सबसे पहले हमारे पास माउंटेन्स हैं हिमालय फिर हमारे पास दो बड़े सी एरिया भी हैं अरेबियन सी एंड बे ऑफ बेंगाल फिर हमारे पास ओशन भी है इंडियन ओशन ठीक फिर हमारे पास डेजर्ट भी है राजस्थान में है जो हमारे पास कोस्टल एरिया भी है है ना? हमारे पास प्लेन एरिया भी है हमारे पास आइलैंड एरिया भी है सब कुछ कवर हो गया चेक करो एक बार आप लोग भी है ना हो गया ना सब कुछ माउंटेन्स भी हो गए डेजर्ट भी हो गया प्लेन्स भी हो गए प्लाटो प्लाटो रह गया हम्म इस लिस्ट में प्लाटो को भी ऐड करिए प्लेटो को भी ऐड कर लेते हैं ठीक

वराइट ऑफ वेजिटेशन भी है वाइल्ड लाइफ भी है लैंग्वेज एंड कल्चर भी आपको पता ही है इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और कितने सारे कल्चर को फॉलो किया जाता है सो इंडिया इज अग ब्लैंड ऑफ वेरियस कल्चर लैंग्वेजेस क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड लैंड फॉर्म्स ओके मूविंग फर्दर इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड नेशन और भले ही हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है पर यही हमारी सबसे बड़ी यूनिटी भी है ठीक हम सब अलग अलग तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं वी प्रैक्टिस वेरियस डिफरेंट रिचुअल्स इन ईच कॉर्नर ऑफ द कंट्री बट वी आर यूनाइटेड बाय द स्पिरिट ऑफ आर नेशनलिज्म हमारा जो नेशन के ट्रेडिशन है हम उससे बाइंडेड हैं हमारी जो वैल्यूज हैं वर्चूज हैं उससे यूनाइटेड है ठीक है

तब ये पॉपुलेशन थी इट इज दोस्ट द वर्ल्ड आफ्टर चाइना चाइना नंबर वन मोस्ट पॉपुलस है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है और सेकेंड पोजिशन पे आता है इंडिया जिस जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा लोग रहते हैं ठीक है तो ये हो गए हमारी बहुत सारे फिजिकल लैंडफॉर्म्स के फीचर्स जो हमने जाने दैट इंडिया हैज फिर हमने ये भी जाना कि हमारे पास बहुत सारा क्लाइमेट वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ लैंग्वेज एंड कल्चर भी है वो क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे अभी एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है ना चैप्टर का तो अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि इंडिया के पास क्या क्या है ठीक और इसी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है दैट बाइंड अस एज वन नेशन सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन लेट्स रीड अबाउट द फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया इंडिया इज बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स उंटेन्स प्लेटोस प्लेन्स कोस्ट एंड आइलैंड हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा कि कैसे इंडिया में फिजिकल फीचर्स की बहुत ज्यादा डायवर्सिटी है हमारे पास माउंटेन्स भी हैं प्लेटोस भी हैं प्लेन्स भी हैं कोट भी हैं और आइलैंड्स भी हैं स्टार्ट करते हैं माउंटेन से सो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय मतलब हिमालयास जब नॉर्थ पे हमारे लिए यहां खड़े हुए हैं तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गार्ड कर रहे हैं एकदम सोल्जर्स की तरह खड़े हुए हैं ये बड़े बड़े लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन्स जिन्हें हम हिमालयस कहते हैं हिम प्लस आले इसका मतलब है द अबोर्ड ऑफ स्नो अबोर्ड का मतलब होता है रेसिडेंस आपका घर होना वहां पे ठीक है हिम का मतलब हिम प्लस आले का मतलब होता है स्नो का घर बर्फ का घर ठीक है इसीलिए इसका नाम हिमालय है द हिमालय माउंटेन्स डिवाइडेड इन थ्री मेन पैरल हिमालय कोई सिंगल रेंज ऑफ माउंटेन नहीं है तीन रेंज ऑफ माउंटेन्स धीरे धीरे डेवलप हुई है ठीक है तीन रेंज ऑफ हिमालय है द नदन मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय जैसे हम हिमाद्री भी कहते हैं पहली रेंज ऑफ हिमालय जो है पहली रेंज ऑफ हिमालय जैसे हम हिमाद्री का नाम भी देते हैं और ग्रेट हिमालय बोलते हैं ये फर्स्ट रेंज ऑफ है फर्स्ट रेंज क्या नाम है ग्रेट या फिर हिमाद्री ओके सेकेंड रेंज पे आते हैं मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री मिडिल हिमालय मिडिल हिमालय जो है ये यहां हिमाचल प्रदेश का स्टेट भी यहीं पे पड़ता है और इसको हम कहते हैं हिमाद्री सॉरी ये हिमाद्री के साउथ में आता है इस रेंज का नाम है हिमाचल पहली रेंज का नाम है हिमादरी सेकंड रेंज का नाम है हिमाचल ठीक है थर्ड रेंज जो है वो है शिवालिक्स शिवालिक्स इज ददन मोस्ट रेंज थर्ड रेंज कौन सी है हिमालयस की द शिवालिक्स तो पहली रेंज हो गई ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमादरी भी कहते हैं सेकेंड रेंज है मिडिल हिमालय जिसे हम हिमाचल भी कहते हैं और हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो भी इसी रेंज का पार्ट है ठीक थर्ड हमारी रेंज ऑफ हिमालय है द शिवालिक्स उत्तराखंड जो हमारा स्टेट है वो इसी रेंज का पार्ट है ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट द हिमाद्री जो सबसे पहली रेंज है वर्ल्ड हाइएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चोटी क्या होता है बेटा माउंट माउंटेंस तो हर जगह होते हैं माउंटेन का जो पीक होता है ना वो सबसे ऊंचा पीक जो है वो ग्रेटर हिमालय में ही पाया जाता है आपको नाम ढूंढ के बताना है दुनिया का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक बहुत ही आसान क्वेश्चन है आसानी से आपको याद होना चाहिए नहीं याद है तो आप अपने फ्रेंड से पूछो अपने बड़ों से पूछो इंटरनेट पे ढूंढो और फिर मुझे बताओ ठीक है बात करते हैं हिमाचल की जो सेकेंड रेंज है मिडिल हिमालय बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश है, आपने कई जगह सुना भी होगा लोग हिमाचल घूमने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं अब आपको इन हिल स्टेशन का भी नाम ढूंढना है कोई पांच हिल स्टेशन के नाम भी ढूंढ के लाओ पहला काम आपको यह करना है कि दुनिया की सबसे ऊंची पीक वर्ल्ड हाइएस्ट पीक का नाम ढूंढ के लाना है और पांच हिल स्टेशन का नाम ढूंढ के लाना है ठीक है तो ये हो गए हमारी हिमालयस की तीन रेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट हिमादरी हिमाचल शिवालिक ये तीन रेंजेस के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए ठीक है और अब लॉफ्टी हिमालयस पढ़ने के बाद पढ़ते हैं प्लेन रीजन द नदन इंडियन प्लेन्स नदन इंडियन प्लेन्स और नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइट टू द साउथ ऑफ द हिमालय हिमालयास के जस्ट नीचे आता है प्लेन रीजन जस्ट पहाड़ों के नीचे ही प्लेन रीजन बच्चों क्यों बनता होगा आप खुद सोचो क्योंकि ऐसे पहाड़ों से निकलती हैं नदियां रिवर्स अपने साथ हैवी सेडिमेंट्स को लेती हुई दौड़ती हुई आ रही होती हैं और यहाँ आके इनकी स्पीड धीमी हो जाती है यहाँ आके इनकी स्पीड धीमी हो जाती है जो सेडिमेंट्स भारी भारी इनके साथ रन करते हुए आ रहे थे वो यहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं और इसलिए ये एक प्लेन रीजन बन जाता है और इसीलिए ये एक बहुत ही फर्टाइल रीजन भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स के थ्रू लाए गए सेडिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस क्रिएशन करते हैं द नद इंडियन प्लेन लाइट ऑफ दिमालय लेडर्स गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर उनकी कोई भी ट्रिब्यूटरी भी इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज का भी अगर आप रनवे देखोगे तो वो भी एक प्लेन रीजन का क्रिएशन कर रही होंगी और अपने साथ एलुवियल डिपोजिट्स लेके आ रही होंगी प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन क्योंकि अपने साथ इतने ज्यादा फर्टाइल सेडमेंट्स लेके आ रही है जो बहुत ही न्यूट्रिश होते हैं सॉइल क्रिएशन के लिए और उसकी वजह से बहुत अच्छी क्रॉप भी ग्रो हो पाती है और वराइटी ऑफ क्रॉप ग्रो हो पाती है दैट इज वाई दे आर अ वेरी फर्टाइल लैंड दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स और इसी वजह से ऐसे रीजन में इन प्लेन रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सस्टेन करती है इनफैक्ट आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है ये हल्का सा राजस्थान का रीजन हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड का थोड़ा रीजन ये वाले रीजन हाईली पॉपुलेटेड है डेंसली पॉपुलेटेड है क्यों क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है और जहां बेटा एग्रीकल्चर होता है सॉरी जहां एग्रीकल्चर होता है वहां पर फैक्ट्रीज का सेटअप होता है वहीं पर सप्लाई चेन बनती है वहीं पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के चैनल बन पाते हैं और वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल पाती हैं इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही ऐसे रीजन ज्यादा पॉपुलस होते हैं इनफैक्ट उत्तर प्रदेश बींग द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री लाइज इन दी नदन प्लेन रीजन ओनली ठीक है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इट इज ए ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड एंड इट अ वेरी लिटिल वेजिटेशन प्लेन के साथ साथ हम डेजर्ट नाम के एक फिजिकल डिविजन को पूरा कर लेते हैं हमारे इंडिया के एकदम वेस्टर्न कोने में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट ठीक है ये ड्राई है हॉट है सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है और बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पे ठीक है तो ये हो गया रीजन और साथ ही साथ डेजर्ट रीजन तो हमने क्या क्या कवर कर लिया हमने कवर कर लिया माउंटेन्सेश हिमालय जो हमारी कंट्री में है माउंटेन्स प्लेन रीजन एंड अच्छा अगर कंफ्यूजन है कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है तो मैं आपको बता देती हूं देखो यहां पे अलूगल डिपॉजिट्स भी मैंने आपको बता दिया है वो जो रिवर्स अपने साथ लेके आती है ना वो क्या होता है

वैसे ही होता है रिवर बेसन जितने एरिया में रिवर का पानी जाता है वो हो जाता है रिवर बेसिन। ठीक है? हम बात कर रहे थे कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है तो अगर आप फिगर में देखो तो मान लो ये मेन रिवर है ये मेन रिवर है और ये कहीं से दूसरी रिवर आ रही है और ये मेन रिवर में मिल गई ठीक जैसे कि यमुना एंड गंगा गंगा मेन रिवर है जो आ रही थी और कहीं से यमुना आती है सॉरी इस तरफ से नहीं इस तरफ से यमुना आती है और गंगा को ज्वाइन कर लेती है तो यमुना बिकम्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बिकॉज यमुना इज ट्रिब्यूटिंग हर वॉटर टू दैंज रिवर ओके ये होती है ट्रिब्यूटरी दैट मीन कोई भी रिवर या स्ट्रीम जो अपना पानी कॉन्ट्रीब्यूट कर देती है किसी मेन रिवर में अपना सारा पानी उसमें डिस्चार्ज करते हुए इसी को हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं तो आपका क्या काम है गंगा ब्रह्मपुत्र और इंडस की ट्रिब्यूटरीज का नाम ढूंढना केवल आपको नाम ढूंढने हैं ठीक है मैं आपको बताऊंगी एंड में क्या है ट्रिब्यूटरीज वो पर आपको भी ढूंढ के लाना होगा चलो अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पेनेंसुलर प्लेटो के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन सो टू द साउथ ऑफ द नदन प्लेन्स लाइज पेनिनसुलर प्लेटो एंड इट इज ट्राइंगुलर शेप। अगर आप ध्यान से देखो इस प्लेटो के रीजन को तो ये लगभग ट्राइंगुलर शेप देखता है है ना द रिलीफ इज हाईली अन ये जो रिलीफ फीचर है इंडिया के फिजियोलॉजी का ये काफी अनइवन है थोड़ा सा कभी हाई लैंड है कभी लो लैंड है कभी हाई लैंड है कभी लोलैंड है थोड़ा सा अनइवन है कहीं पे आपको प्लेन रीजन भी दिख जाएगा यहीं पर कहीं पे आपको काफी हाई लैंड मिलेगा ठीक है दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज ये ऐसा रीजन है जहां पे बहुत सारे हिल के रेंजेस भी हैं और बहुत सारी वैलीज भी दिखती हैं अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इस वाले हिस्से में जो डेकिन प्लाटो का ये वाला हिस्सा है अरावली हिल्स यहाँ पर है थोड़ी सी बॉर्डर करती है you, अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी रेंजेस में से एक है सबसे दुनिया की सबसे पुरानी नहीं है वन ऑफ ओल्डेस्ट है दुनिया की सबसे पुरानी में से एक है पर अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में अरावली हिल्स सबसे पुरानी रेंज है सबसे पुरानी आपको लगता होगा हिमालय सबसे पुराने हैं नहीं अरावली हिल्स सबसे पुराने हैं ठीक है और अगर आप इसको हिमालय से कंपेयर करो तो हिमालयस तो काफी यंग है अरावलीस के कंपैरिजन में ठीक है द विंध्यास एंड द सतपुराज दे आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो सतपुराज और विंध्याज बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं पेनेंसुलर प्लेटो में

इंपॉर्टेंट रेंजेस से फ्लो करती हैं रिवर नर्मदा और तापी जिसे तापती भी कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों की दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दैट ये बहती हुई बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती बल्कि ये बहती हुई ये यहां से शुरू होती है और ये बहती हुई आती है अरेबियन सी में ये फॉल करती हैं अरेबियन सी में ठीक है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर इंडिया में ऐसी बहुत ही कम रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग हैं। ऐसी बहुत सी कम रिवर हैं जो अरेबियन सी में फॉल करती हैं एंड नर्मदा एंड ताप्ती आर द टू मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो अरेबियन सी में फॉल करती हैं ठीक है इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके जानने के लिए इस प्लेटोइ रीजन इस डेकिन प्लेटो पेनसुलर रीजन के बाद पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट्स को ठीक है सो द वेस्टर्न घाट्स जिन्हें हम सहयाद्रीज भी कहते हैं ठीक है हर किसी का एक निकनेम है जैसे हिमालयज में सारी रेंजेस का एक-एक निकनेम था ग्रेटर हिमालयज को हिमाद्री मिडल को हिमाचल लास्ट वैली को शिवालिक्स वैसे ही वेस्टर्न घाट्स का भी एक निकनेम है जिसे हम सह्याद्रि कहते हैं क्या कहते हैं सह्याद्रि वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं सह्याद्रि द वेस्टर्न घाट्स और द सह्याद्रीस बॉर्डर द प्लैटो इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री जो हमारा ये है वेस्टर्न घाट इसे सहयाद्री बॉर्डर करती हैं और जो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री है उसे बॉर्डर करता है ईस्टर्न ये हो गए आपके ईस्टर्न ये हो गए आपके वेस्टर्न ऑरेंज वाले वेस्टर्न येलो वाले ईस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस देख रहे हो आप कैसे कंटिन्यूस फ्लो में है ईस्टर्न घाट्स थोड़े से ब्रोकन है और थोड़े से अनइवन भी हैं ठीक है थेके? यहाँ पे आके हल्का सा टूट जाता है ये यह ये तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली दिख रहा है एक्चुअल फिजियोलॉजी में थोड़ा सा टूट जाता है ठीक है फिर कंटिन्यू होता है फिर टूट जाता है इस फिजिकल मैप में आप देख सकते हो कैसे ईस्टर्न घाट शुरू तो होते हैं फिर ब्रेक होते हैं फिर शुरू होते हैं फिर कंटिन्यू तो थोड़ा सा ब्रेक है एक्चुअली ईस्टर्न घाट्स में एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स काफी कंटिन्यूअस है कमिंग बैक टू द स्लाइड्स वाइल वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनो ये जो पूरा प्लेटो एक रीजन है नाला मिनरल में बहुत रिच है कोल आयरन और स्पेशली ये दो मिनरल्स तो बहुत ही अब में मिलते हैं हमारे प्लेटो एक रीजन में और ऐसा इसलिए भी है बच्चों क्योंकि वो प्लेटो है वो अर्थक्वेक से निकले हुए मैगमा से बने हुए हैं इस रीजन में माना जाता है कि बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आए थे वोल्केनोज आए थे उस से निकला हुआ जो मैग्मा था वो सॉलिडिफाई हुआ मिलियंस ऑफ इयर्स तक, और फिर जाके ये प्लाटो इतना रॉक सॉलिड बना है और आपको पता है कोई भी मैग्मा जो सॉलिडिफाई होता है उस मैग्मा में तमाम तरीके के मिनरल्स मिनरल, मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं और वही मिनरल डिपॉजिट्स मिलियंस ऑफ इस तक जब सॉलिडिफाई हुए हैं तो फिर वो इतने रॉक सॉलिड हो गए कि अब वहां पर ऑफ मिनरल पाया जाता है है पे एक और इमेज दिखाई गई सहयाद्री कोस्टल बेल्ट की जिसको हम डिवाइड करते हैं कौनकन कोस्ट और मालाबार कोस्ट में ठीक है वेस्टर्न घाट्स को आप कौनकन कोस्ट मालाबार कोस्ट में भी पढ़ सकते हो ठीक है क्योंकि घाट्स बहुत बड़े हैं इसलिए हम अपनी स्टडी के लिए थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देते हैं कोस्ट को ताकि हमारी पढ़ाई आसान हो जाए ठीक है तो ये हो गए आपके घाट्स आगे बढ़ते हैं ना टॉकिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई कोस्टल प्लेन एंड दीज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेरी नैरो अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें बहुत ही नैरो है ये हालांकि हम अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ये काफी ब्रॉड है ठीक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफी ब्रॉड है बट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफी नैरो है आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो ईस्ट फ्लोइंग मतलब वो रिवर्स जो शुरू तो कहीं से होती हैं बट फॉल करती हैं ईस्ट में जाके फॉल करती हैं ईस्ट में जाके नेम्स आर महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है और बे ऑफ बंगाल में जाके अपने आप को ड्रेन करती हैं दैट मीन्स इन सारी रिवर्स का जो माउथ है वो बे ऑफ बंगाल में जाके बनता है ठीक है माउथ क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे आप दीज रिवर्स है सुंदर बंस डेल्टा इज फॉर्म टू बे द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इन टू ऑफ बंगाल। ये जो रिवर्स है ना महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी और ऐसी बहुत सारी रिवर्स जो ईस्ट फ्लोइंग है वे ऑफ बंगाल में जाके फॉल करती हैं ये सारी रिवर्स बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं माउथ ऑफ द रिवर पे क्यों इतना फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं क्योंकि इतना लॉन्ग रूट लेके आ रही होती हैं इतना सारा सेडिमेंट होता है इनके पास कि जब फाइनली ये फॉल करती हैं तो सारा का सारा सेडिमेंट यहीं पे सी कोस्ट पे छोड़ देती हैं और यहाँ पे एक बहुत ही फर्टाइल पोर्शन ऑफ लैंड क्रिएट हो जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं डेल्टा क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगी पर अभी के लिए इतना समझ लो कि जब ये रिवर्स फ्लो करती हुई फॉल करने जा रही होती हैं सी में तो अपने सारे कलेक्टेड सेडिमेंट्स को छोड़ देती हैं यहीं पर और यही सेडिमेंट्स जैसे नदन प्लेन्स में सेडिमेंट्स बहुत ही फर्टाइल लैंड बनाते हैं वैसे ही ये सेडिमेंट्स भी इन सी शोर्स पे बहुत ही फर्टाइल पार्ट ऑफ लैंड बनाते हैं जिसे हम डेल्टा कहते हैं ठीक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेल्टा है और वो है सुंदरबंश का डेल्टा सुंदरबंश का डेल्टा बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं और फाइनली बे ऑफ बंगाल में अपने आप को फॉल कराने जा रही होती हैं तब वहां पे एक डेल्टा का क्रिएशन होता है सुंदरबंश डेल्टा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुंदरबंश डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ठीक है इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है

में अपने आप को फ्लो करा रहे होते हैं तब वो जो डेल्टा बनाते हैं सुंदरबंज वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है अच्छा द डेल्टा इज जनरली इन शेप आप कह रहे हो कि पे है तो ध्यान से देखो ये आ रही है गंगा मान लेते हैं ये आ रही है ब्रह्मपुत्र मान लेते हैं ये हो गई आपकी गंगा ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र दोनों मर्ज होकर जब फ्लो करने जा रहे हैं सी में आपको पता है हर रिवर फॉल करती है किसी ना किसी सी में ठीक है अगर वो इनलैंड ड्रेनेज की रिवर नहीं है तो इनलैंड रिवर इनलैंड का मतलब वो रिवर जो किसी भी लैंड एरिया के अंदर क्रिएट होती है और वहीं पे उसका एंड भी हो जाता है वो किसी भी सी में फॉल नहीं करती हम उन रिवर्स की बात नहीं कर रहे हम केवल उन रिवर्स की बात कर रहे हैं जो किसी ना किसी सी में आके फॉल करती हैं सो टॉकिंग अबाउट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये दोनों की दोनों फॉल करती हैं बे ऑफ बंगाल में और जब ये फॉल कर रही हैं तो आप यहां से देखो ध्यान से एक ट्रायंगल का क्रिएशन हो रहा है राइट right? इसी क्रिएशन को हम डेल्टा कहते हैं इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर इसी को माउथ ऑफ द रिवर भी कहा जा रहा है क्योंकि रिवर यहाँ आके खुल रही है अपना मुंह खोल रही है और सी की तरफ फॉल करने जा रही है इस डेल्टा को ही माउथ ऑफ द रिवर कहा जाता है जब रिवर का माउथ आने वाला होता है वहां पर जिस लैंड एरिया का क्रिएशन होता है उसे डेल्टा कहते हैं माउथ के पास मैं इन घटा दू आपको क्लियरली दिख जाए माउथ ऑफ द रिवर के पास जिस भी लैंड का क्रिएशन होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं वेयर रिवर्स एंटर द सी माउथ ऑफ द रिवर ठीक है और माउथ क्या होता है वो एरिया जहां पर रिवर सी से मिलने जा रही होती है उसे को हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं रिवर जिसने जा रही होती है उसी को हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं और माउथ ऑफ द रिवर के पास कोई भी क्रिएटेड लैंड एरिया डेल्टा कहलाता है ठीक है अब आपको लगेगा कि शायद सारी रिवर्स डेल्टा बनाती होंगी सारी रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती कुछ रिवर्स ऐसी भी होती हैं, जो एस्चुरी का क्रिएशन करती हैं, अब डेल्टा और एस्चुरी में फर्क क्या होता है ये समझो। देखो पहले तो ये लैंड का जो क्रिएशन हो रहा है माउथ ऑफ द रिवर के पास ये कैसे हो रहा है क्योंकि ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर या ऐसी कोई भी रिवर जो डेल्टा बनाती है वो अपने साथ पूरे रास्ते उसका जो भी रूट होता है पूरे रास्ते से बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही होती है बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा करके ला रही होती है और जब ये रिवर माउथ के पास आने लगती है ये अपना सारा सेगमेंट छोड़ देती है ठीक है दे गिव अवे ऑल द सेडिमेंट्स कैरीड बाय इट थ्रू आउट द रूट और इसी सेडिमेंट से एक लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसे हम डेल्टा कहते हैं पर कुछ रिवर्स ऐसी हैं स्पेशली नर्मदा मैं एक एग्जाम्पल दूंगी आपको नर्मदा रिवर का नर्मदा एक ऐसी रिवर है जिसका रूट इतना लंबा नहीं है बहुत ही शॉर्ट रूट है उस रिवर का और जब वो अरेबियन सी में फॉल करने जा रही होती है तो क्योंकि उसका एक शॉर्ट रूट है इसलिए वो बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स इकट्ठा नहीं कर पाती और इसलिए जब वो अरेबियन सी में फॉल करने जा रही होती है तो उसके पास सेडमेंट ही नहीं होते हैं कि वो डेल्टा बना पाए तो ऐसी रिवर्स एस्चुरी का क्रिएशन कर देती हैं क्या कर देती हैं एक एसचुरी का क्रिएशन कर देती हैं ठीक तो जो रिवर्स बहुत सारा सेडिमेंट लेके आती हैं और माउथ ऑफ द रिवर पे अपना सेडिमेंट छोड़ देती हैं वो रिवर्स डेल्टा का क्रिएशन करती हैं और जो रिवर्स जिनका स्पेशली बहुत शॉर्ट रूट होता है और बहुत ज्यादा सेडिमेंट कैरी नहीं कर पाती वो रिवर्स एस्टुरी का क्रिएशन करती हैं स्पेशली एग्जाम्पल इज नर्मदा ठीक है तो ये हो गया आपका कि डेल्टा क्या होता है और उसी के ऑपोजिट में आपने ये समझ लिया कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स भी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती बल्कि वो एस्चुरी बनाती हैं ठीक है दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि क्या सारी रिवर्स डेल्टा बनाती हैं नहीं कुछ रिवर्स ऐसी भी हैं जो डेल्टा नहीं बना पाती और इसलिए वो एस्चुरी का क्रिएशन करती हैं ठीक है अब आपको एक बहुत कमाल की चीज बताते हैं कोरल्स के बारे में कोरल्स कोरल स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स तो एक बहुत छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं ये बाकी जानवरों की तरह बहुत ये भी लिविंग क्रीचर होते हैं हालांकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं ठीक कई बार तो ये आपको दिखेंगे भी नहीं ये साइज में बहुत छोटे होते हैं बट ये भी लिविंग क्रीचर्स होते हैं और ये मरीन एनिमल्स होते हैं ठीक है अच्छा क्या होता है जो सी वॉटर है और जो सी वॉटर के एरिया में पाए जाने वाला क्लाइमेट होता है ना वो इन पॉलिप्स के लिए बहुत फेवरेबल होता है उन्हें ऐसा क्लाइमेट और ये वाला सी वॉटर बहुत अच्छा लगता है इसलिए ये लोग ऐसे एरिया में बड़ी आसानी से सस्टेन कर लेते हैं ठीक ये इनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है सस्टेन करने की अब होता क्या है ये सस्टेन कर ले जाते हैं ग्रो भी करने लगते हैं और बाकी लिविंग क्रीचर्स की तरह इनकी भी डेथ हो जाती है और जब इनकी डेथ हो जाती है इनके स्केलेटन वहीं पड़े रहते हैं नाउ अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हायर एंड हायर कोरल आइलैंड ठीक है Now, क्या होता है मान लो ये कुछ पॉलिप्स हैं जिनके स्केलेटन्स हैं कुछ पॉलिप्स हैं जो मर गए थे ठीक और ये उनके स्केलेटन्स पड़े हुए हैं इन्हीं स्केलेटन्स के ऊपर दूसरे पॉलिप्स ग्रो कर गए और जब ये मर गए तो इनके स्केलेटन भी इसी के ऊपर आ गए देखो देखो मैं स्केलेटन बना रही हूं लेयर के ऊपर लेयर बनती जा रही है स्केलेटन की इसी के ऊपर फिर से पॉलिप्स ग्रो हो गए और फिर ये मर गए और इनके भी स्केलेटन यही पड़े रह गए तो आप देख रहे हो कैसे लेयर बाय लेयर स्केलेटन की पूरी बॉडी बने जा रही है और ऐसे ही मिलियंस ऑफ पॉलिप्स के स्केलेटन इकट्ठे होकर एक लैंडमास का क्रिएशन कर लेते हैं और उसी लैंडमास को आइलैंड का नाम दे दिया जाता है और इन आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं क्योंकि ये जो लैंडमार्स क्रिएट हो रहा है इसे हम कोरल रीफ कहते हैं और यही कोरल रीफ्स आइलैंड का काम करने लगती हैं तो लक्षद्वीप में जो आइलैंड हैं लक्षद्वीप में जो आइलैंड हैं वो सारे के सारे कोरल से बने हुए हैं पूरा लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड है क्योंकि वो इन्हीं कोरल से बने हैं इन्हीं पॉलिप्स के स्केलेटन से पाए गए बने हुए आइलैंड्स हैं इसलिए इन्हें कोरल आइलैंड्स का नाम दिया जाता है यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी शो करी है ये देखो ये जो आइलैंड्स है ना ये सब ये सब कोरल्स के हैं ये पूरा कोरल रीफ है पूरा ये हैं सब सब के सब कोरल्स हैं दैट मींस ये सब पॉलिप्स के स्केलेटन्स की लेयर जो क्रिएट हो गई लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर क्रिएट होती चली गई उसी के थ्रू बने हुए आइलैंड्स हैं ये ठीक है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी कोरल्स के बारे में क्योंकि हमारी इंडिया में भी एक ऐसा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में पाए जाने वाला आइलैंड जो कि कंप्लीटली कोरल से बना हुआ है और इसीलिए उसको हम एक कोरल आइलैंड भी कहते हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया था हम लोगों ने अभी कोरल आइलैंड के बारे में पढ़ा और इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इंडिया के पास दो तरीके के आइलैंड्स हैं टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया हम इंडिया के सारे फिजिकल डिविजन को पढ़ रहे हैं जिसमें अरेबियन सी एंड दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला ठीक है ये देखो ये यहाँ पे केरला है मेरा रेड इंक देखो राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे केरला का स्टेट है और केरला के जस बगल में अरेबियन सी में ये है लक्षद्वीप आइलैंड देखो ये सब छोटे छोटे टुकड़े ये 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 मैप में तो बहुत छोटे दिख रहे हैं एक्चुअल में तो इनका लैंड लैंडमार्क काफी है और ये पूरा का पूरा मिलके बनाता है लक्षद्वीप आइलैंड क्या बोलते हैं लक्षद्वीप ठीक इसका हेडक्वार्टर है कावर रती में मैंने बताया था हर यूनियन टेरिटरी का एक हेडक्वार्टर होता है हर यूनियन टेरिटरी का दिल्ली का हेडक्वार्टर दिल्ली में है चंडीगढ़ का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है वैसे ही लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है और इसका हेडक्वार्टर है कावरती में ठीक है सारे ऑफिशियल काम लक्षद्वीप के कावरती में जाके होते हैं ठीक है मैंने आपको अभी कोरल्स की के साथ बताया था ठीक दूसरा आइलैंड भी है हमारे पास जिसका नाम है एंडमन एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दे लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल ये बे ऑफ बंगाल में है लक्षदीप अरेबियन सी में थे और एंडमैन निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हो ये बे ऑफ बंगाल और ये रहे आपके एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड ये है अरेबियन सी और ये है आपका लक्षदीप आइलैंड और ये बे ऑफ बंगाल में एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हैं और ये इंडिया का पार्ट है ये इंडियन ओन्ड आईलैंड हैं ठीक है याद रखना ये कोई दूसरी कंट्री नहीं है ये कोई दूसरी कंट्री का पार्ट नहीं है ये इंडिया का ही पार्ट है ठीक है एंडमैन एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड तो हमने दो आइलैंड्स के बारे में पढ़ा लक्षद्वीप आइलैंड जो कंप्लीटली कोरल आइलैंड है और वो अरेबियन सी में है और एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है ठीक नाउ एक पीस ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है डू यू नो विच ग्रुप ऑफ वर अफेक्टेड बाई द सुनामी इन टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फोर में सुनामी आई थी ठीक है इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 2004 में आपको बताना है कि वो कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो सुनामी से अफेक्ट हुए थे फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस्ड दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट पढ़िएगा आपको कहीं ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिले लोगों से पूछिएगा इसके बारे में कि क्या उन्हें सुनामी के बारे में पता है सुनामी क्या होती है सुनामी इज वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर देखो ये है आपका सी और आपको पता है हर वॉटर बॉडी के नीचे भी जमीन होती है है ना हर वॉटर बॉडी के नीचे भी एक लैंड एरिया होता है है ना वैसे ही इंडियन ओशन की जो फ्लोर थी जो सी फ्लोर थी उसमें अर्थक्वेक आया और इस अर्थक्वेक की वजह से वाटर बॉडी में जो इंडियन ओशन था जो ओशन था उसमें बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनना शुरू हो गई क्योंकि इतना बड़ा डिस्टरबेंस हुआ सी फ्लोर पे कि वाटर बॉडी में वेव्स बनना शुरू हो गई और इस वेव्स ने बहुत सारी कंट्रीज को इफेक्ट किया ना केवल इंडिया को बल्कि और बहुत सारी कंट्रीज को मेजरली अफेक्ट किया था आप कोशिश करिएगा इसको ढूंढने की या पढ़ने की कि सुनामी जब 2004 में आई थी तो उसने कैसे बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर अफेक्ट डाला था ठीक है मैं आपको अभी बताऊंगी कि सुनामी ने कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को अफेक्ट किया था तो क्योंकि एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड के पास वेव्स बहुत आसानी से पहुंच रही थी इसलिए एंडमैन निकोबार आइलैंड्स वो आइलैंड्स थे जो मेजरली अफेक्टेड थे सुनामी की वजह से जो 2004 में आई थी ठीक लक्षद्वीप पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था हालांकि जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं केरला और तमिलनाडु उन पर भी काफी मेजर इंपैक्ट आया था सुनामी का और एंडमेन एंड निकोबार आइलैंड्स ने बहुत ज्यादा डैमेज फेस किया था जब सुनामी आई थी 2004 में ठीक है ऑल राइट स्टूडेंट फिजिकल डिविजन पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री का और वो है पोलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन केवल फिजिकल डिविजन तो नहीं है ना केवल माउंटेन्स आईलैंड घाट्स केवल प्लेटोइ रीजन यही सब तो नहीं है इंडिया में इंडिया में और भी सारी चीजें हैं पढ़ने को जानने को जैसे हम एक हेडिंग में पढ़ेंगे पोलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ठीक है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज द कंट्रीज डिवाइडेड इन टू ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरेटरीज इज अपेंडिक्स को भूल जाओ ये लिस्ट मैं आपको खुद दूंगी ठीक है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और आपको पता है कि उसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे स्टेट्स का क्रिएशन किया गया है और इन स्टेट्स के थ्रू ही इन स्टेट में भी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है और उनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया जाता है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज वी हैव हैव वी स्टेट्स एंड हैवी यूनियन टेरिटरीज कितनी स्टेट्स है ट्वेंटी एट स्टेट एंड एट यूनियन टेरिटरीज एंड डेली इज द नेशनल कैपिटल दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है दैट मींस इंडिया की कैपिटल दिल्ली है द स्टेट्स हैव बीन फॉर्मड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे ऐसे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में काफी डिफिकल्टी हो रही थी नया नया देश था ढेर सारे लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते थे अलग-अलग कल्चर को प्रैक्टिस करते थे जो कि आज भी करते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते थे तो सबको सही तरीके से मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इसलिए तब से ही लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का क्रिएशन किया गया हालांकि सारी स्टेट्स का क्रिएशन लैंग्वेज पे नहीं हुआ है बट देर आर सम स्टेट्स जिन्हें लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश पहले क्योंकि तेलंगाना नहीं था तेलंगाना का क्रिएशन 2014 में हुआ है ठीक है पहले तेलंगाना नहीं था पहले यह पूरा पोर्शन आंध्र प्रदेश था एंड आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ द कंट्री जिसे लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था तो जितने भी तेलुगु बोलने वाले लोग थे उन सबको आंध्र प्रदेश में शिफ्ट किया गया ठीक है क्योंकि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी तेलुगु स्पीकिंग लोग ज्यादा थे इसलिए आंध्र प्रदेश को अपने आप में एक स्टेट बना दिया गया कि जितने भी तेलुगु बोलने वाले लोग हैं वो सब लोग आंध्र प्रदेश में आ जाओ तो आप सब एक भाषा बोलते हो एक जगह पे रहोगे तो हमारे लिए अभी एडमिनिस्टर करना आसान हो जाएगा हालांकि आज की कंडीशन अगर आप देखो तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको तेलुगु बोलने वाले लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो अपनी जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं या उनका वहां कोई बिजनेस चलता है महाराष्ट्र में कर्नाटका में हर जगह आपको कोई ना कोई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाला इंसान मिल जाएगा क्योंकि आज इट इज द एज ऑफ माइग्रेशन जॉब कल्चर की वजह से या बिजनेस ग्राउंड की वजह से लोग अपनी होम स्टेट को छोड़ना पड़ता है उन्हें और उन्हें किसी दूसरी स्टेट में जाके रहना पड़ता है बट अगर हम हिस्ट्री के बेसिस पे याद रखें तो आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया जिसका क्रिएशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था फिर धीरे धीरे बाकी स्टेट का भी क्रिएशन लगभग लगभग ऐसे ही किया गया मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया गुजराती बोलने वालों को गुजरात में कन्नड़ बोलने वालों को कर्नाटका में मलयाली बोलने वालों को केरला में तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु में ऐसे ऐसे करके शिफ्ट किया गया ठीक है तो ऐसे हुआ था स्टेट्स का क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज सारी स्टेट्स का क्रिएशन लैंग्वेज पे नहीं हुआ था तेरव ओनली सम स्टेट्स जिनका क्रिएशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया ठीक है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में हमने सबसे पहले देखा कि कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरी हैं हमारे पास और दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है अब एक बार मैप पे नजर डालते हैं क्योंकि आप स्टेट्स के नाम रट लोगे बड़ी आसानी से आप रटने में तो माहिर हो आप लोग यूनियन टेरिटरी भी रट लोगे लेकिन आपको उसका लोकेशन भी अच्छे से पता होना चाहिए इसलिए आप मैप को ध्यान से देखो ठीक है आपको पता है रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन का डिवीजन हुआ है ले उसकी कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का डिविजन हुआ है है ना और दोनों यूनियन टेरेटरीज बना दी गई हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया के नॉर्थ से सबसे नॉर्थ में है इंडिया की दो यूनियन न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर लद्दाख का सेंटर है लेह ठीक उसी के जस्ट नीचे आती है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये वही स्टेट है जहां से हिमाचल रेंज ऑफ भी पास करते हैं ठीक हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला उसी के जस्ट नीचे आती है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और उसकी कैपिटल है देहरादून उत्तराखंड के जस्ट नीचे आता है उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में आता है बिहार जिसकी कैपिटल है पटना यहां तक कोई प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार यहां फुल स्टॉप अब वापस आ जाओ यहां पर नॉर्थ वाले रीजन में नॉर्थ वाले रीजन में स्टेट ऑफ पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़ हरियाणा जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़ जी हाँ हरियाणा और पंजाब अपनी कैपिटल को शेयर करते हैं दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है ठीक है हरियाणा के जस्ट बगल में एकदम ये जो ये आपको डॉट दिख रहा है जहां मैं यहां रेड मार्क कर रही हूं इस समय ध्यान दो ये है आपकी नेशनल कैपिटल डेली ठीक तो डेली किन किन स्टेट्स को टच करती है हरियाणा को टच करती है और उत्तर प्रदेश को भी टच करती है ठीक है फिर है राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर राजस्थान के नीचे है गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर गुजरात के जस्ट बगल में है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में है द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल है रायपुर छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में है झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची एम एस धोनी यहीं से आए थे झारखंड से ठीक झारखंड के जस्ट बगल में है वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल है कोलकाता वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे है ओडिशा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर उसी के जस्ट नीचे ओडिशा के जस्ट नीचे आता है आंध्र प्रदेश ठीक है आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना न्यूली क्रिएटेड तेलंगाना जिसकी कैपिटल है हैदराबाद अब आप कहोगे आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्यों नहीं बता रहे हो आप क्योंकि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी नई नई बनी है अमरावती ठीक है इसलिए ये इस मैप में ऑलरेडी नहीं लिखी हुई है अमरावती ठीक है आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया उसके नीचे आता है तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई केरला केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम कर्नाटका कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु फिर आता है उसके ऊपर छोटा सा स्टेट है गोवा पंजी पानाजी सॉरी नॉट पंजी पानाजी उसी के ऊपर आता है महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है द वेरी फेमस मुंबई सबको घूमने जाना है यहां पे ठीक ये हो गया इस पोर्शन की बात आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे ठीक है हमारा बहुत खूबसूरत स्टेट है सिक्किम जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक यहां पे बीच में भूटान आता है नेपाल बांग्लादेश ये सब दूसरी कंट्री हैं इनको हटा देते हैं फिर यहां पे आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है ईटानगर 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 आप परेशान नहीं हो अगर आपको मैप पे नहीं दिख रहा है मैं आपको पूरा चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी आप उससे चार्ट बना के अपने कहीं बोर्ड पे वॉल पे कहीं लगा लेना और बार बार देख देख के याद करते रहना अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर असम की कैपिटल है दिसपुर असम के जस्ट नीचे आता है मेघालय मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ पे एक ट्रिक है ना मानी मिजो ना मानी मिजो नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल मिजोरम की कैपिटल है मिजोरम के जस्ट बगल में इंडिया की की लास्ट स्टेट आती है 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 जिसका नाम है त्रिपुरा त्रिपुरा कैपिटल अगरतला अगरतला पे लिख दिया लोगों ने बांग्लादेश में जाके लिख दिया है ठीक है ओके यहाँ पे मैंने आपको मैप की हेल्प से दिखा दिया कि कौन सी स्टेट की क्या कैपिटल है और कौन सी यूनियन टेरिटरीज है अरे यूनियन टेरिटरीज तो मेन ही है ना अभी तो हम लोगों ने केवल दो यूनियन टेरिटरीज की बात करी केवल दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करी और भी तो यूनियन टेरिटरीज़ हैं दिल्ली चंडीगढ़ की बात हो गई जेएनके की बात हो गई और लद्दाख की बात हो गई चार यूनियन टेरिटरी हमने कवर कर ली चार यूनियन टेरिटरी के बाद आते हैं आपकी पांचवी यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली ठीक है दादरा एंड नागर हवेली ये देखो ये यहां पे है गुजरात में दिख रही है आपको महाराष्ट्र में है गुजरात में यहां पे ये है आपकी दामन एंड दियो ये भी एक यूनियन टेरेटरी है ये भी गुजरात में है दामन एंड दियो तो पहले क्या था कि दादरा एंड नागर हवेली और दामन एंड दियो दो अलग अलग यूनियन टेरेटरी थी बट रिसेंटली इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया है ठीक है तो अगर आपको फिफ्थ नंबर की यूनियन टेरेटरी लिखनी है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीय ये है आपकी फिफ्थ यूनियन टेरिटरी सिक्स यूनियन टेरिटरी है आपकी पुडुचेरी ये है आपकी पुडुचेरी ठीक सिक्स आपकी यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी अभी इसका भी चार्ट दूंगी मैं आप परेशान नहीं हूं यहां पे मैं लिख के आपको बता रही हूं पर इसका भी चार्ट मिलेगा डोंट वरी सेवेंथ यूनियन टेरिटरी है आपकी लक्षद्वीप आइलैंड जी हाँ ये आइलैंड भी आपके यूनियन टेरिटरी है क्योंकि यहां कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती इसलिए इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है और इसीलिए इसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसे यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करती है यूनियन गवर्नमेंट जिसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आई बात ओके सेवेंथ यूनियन टेरेटरी होगी लक्षद्वीप आइलैंड और क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड यूनियन टेरिटरी है इसलिए अंडमान एंडमैन भी यूनियन टेरिटरी होंगे है ना क्योंकि वहां पे भी कोई गवर्नमेंट तो है नहीं अंडमान इको बार आईलैंड ठीक है ये हो गए आपके आठ यूनियन टेरिटरीज बाकी स्टेट्स और कैपिटल मैंने आपको मैप पे दिखा दी अब मैं आपको इनके चार्ट प्रोवाइड कर देती हूं ऑल राइट नाउ लेट मी शो यू द चार्ट विद द स्टेट्स नेम एंड इट्स कैपिटल ठीक है मैंने बोला था मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगी केवल मैप से रटने की जरूरत नहीं है हालांकि मैप को बार बार चेक जरूर करते रहना ताकि आपको क्लियरली आइडिया रहे कि कौन सी कैपिटल का लोकेशन क्या है ठीक है वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चार्ट में सारी स्टेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज अरेन्ज है इसलिए कंफ्यूज मत होना ये आंध्र प्रदेश की बात सीधा अरुणाचल प्रदेश की बात क्यों की गई है ठीक है क्योंकि ये सारा का सारा चार्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेन्ज है ठीक है ऑल तो चार्ट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है आंध्र प्रदेश जिसकी कैपिटल मैंने अभी बताया रिसेंटली मेड अमरावती है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर असम दिसपुर बिहार पटना छत्तीसगढ़ रायपुर गोवा पानजी गुजरात गांधीनगर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला झारखंड रांची कर्नाटका बेंगलुरु केरला तिरुवनंतपुरम जिसे त्रिवेंद्रम शॉर्ट फॉर्म में कई लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलोंग मिजोरम एजवाल नागालैंड कोहिमा ओडिशा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर सिक्किम गैंगटॉक तमिलनाडु चेन्नई तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तराखंड की दो कैपिटल्स हैं क्योंकि विंटर में देहरादून रहती है समर में गैरसान जिसे दूसरे नाम से भरारी सेन भी कहते हैं ठीक है तो समर की कैपिटल हो गई गैरसान और विंटर की कैपिटल हो गई देहरादून वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता तो ये है आपकी 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है टाइम एंड अगेन ये चार्ट को बना लो और अपने स्टडी बोर्ड पे या जहां भी आप पढ़ते हो उस लिस्ट को रख लो बार बार आके इसको देखना इंडिया के मैप को देखना तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपकी कंट्री की कौन सी स्टेट कहां पर लोकेटेड है और उस स्टेट की कैपिटल क्या है एक ट्रिक आपको बच्चों बता दूं आज अगर आज आपने क्लास सिक्स में होकर इसको याद कर लिया आई प्रोमिस यू आप कभी भी किसी स्टेट के कैपिटल नहीं भूलोगे दिस इज द बेस्ट ऑफ योर लाइफ टू मेमोराइज ऑल दी स्टेट एंड कैपिटल क्योंकि आप भी लर्निंग एज में हो जल्दी चीजों को समझ के जल्दी चीजों को याद कर सकते हो तो अगर आज आपने याद कर लिया है आई प्रोमिस यू आप कभी नहीं भूलोगे फिर इसको हाँ मैप को जरूर देखते रहना मैप को नेग्लेक्ट अवॉइड इग्नोर करने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास मैप है तो अच्छी बात है एटलेस है तो अच्छी बात है बार बार देखते रहो आपके दिमाग में हमेशा इंडिया का मैप पूरी तरीके से स्टिक हो जाएगा दिमाग में स्टेट्स और उनकी कैपिटल के बाद आते हैं यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल

फोर्थ कैपिटल है दिल्ली जिसकी कैपिटल है दिल्ली न्यू दिल्ली ठीक फिफ्थ है जम्मू एंड कश्मीर और इसके भी दो सेंटर्स हैं समर्स में ये लोग श्रीनगर में बैठते हैं पर जब बहुत विंटर्स आ जाती है जब श्रीनगर में बहुत बर्फ पड़ती है तो ये लोग अपना सारा ऑफिस का, का काम जम्मू में शिफ्ट कर लेते हैं ठीक सिक्स्थ यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप जिसका कैपिटल है कावरती सेवेंथ यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी जिसकी कैपिटल है पौंडीचेरी में एर्थ यूनियन टेरिटरी है लद्दाख जिसकी कैपिटल है लेह में तो ये हो गया चार्ट यूनियन टेरिटरी और उनकी कैपिटल्स का ठीक है अगेन इनकी लोकेशन भी मैप में या एटलस में देखते रहिए और इनकी कैपिटल पे भी क्लियर नजर रखिए कि इनकी लोकेशन क्या है ठीक है और क्योंकि हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन पढ़ रहे हैं अपनी कंट्री के इसलिए उन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन में इंडिया के नेबर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है है ना क्योंकि जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो ना केवल कंट्री के अंदर बल्कि अपने इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखे जाते हैं अपने नेबर्स के साथ अच्छी दोस्ती बना के रखना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसकी इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे है ना ऑल राइट इंडिया के नेबर्स की बात करते हैं देयर आर सेवन कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया कितनी कंट्रीज है? हैं सेवन ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री अभी वाटर बाउंड्री की बात नहीं हो रही है ऐसी सेवन कंट्रीज है जिनके साथ हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं और ऐसे ही हमारे सेवन लैंड नेबर्स हैं हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डो नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी ये आपको देख के बताना है ये आपको ढूंढ के बताना है कि ऐसे कौन से हमारे नेबर्स हैं जिनके पास कोई ओशन नहीं है या जिनका किसी सी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है ठीक है इससे पहले बात करते हैं कि हमारे नेबर्स हैं कौन कौन तो शुरुआत कर सकते हो आप अपने सबसे क्लोजेस्ट पाकिस्तान से जिसका क्रिएशन 1947 में हुआ ठीक उसके बाद है अफगानिस्तान ठीक फिर आता है हमारा राइवल चाइना जस्ट नेक्स्ट में हमारे नेपाल जहां पे माउंट एवरेस्ट भी है फिर है भूटान और यहां पर मेघालय की स्टेट के पास है बांग्लादेश यहां पर है म्यांमार जहां पे हमारी तीन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती हैं नागालैंड मणिपुर मिजोरम ठीक तीन स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती है अरुणाचल प्रदेश भी अरुणाचल प्रदेश भी ठीक है अरुणाचल का भी एक हिस्सा यहां पे शेयर होता है ठीक और फिर हमारी एक और नेबर है श्रीलंका लिस्ट बना लेते हैं यहां पे सबसे पहले बताइए दूसरा नाम लो थर्ड नेम फोर्थ नेम फिफ्थ नेम सिक्स नेम सेवेंथ नेम ठीक ये ऐसी सेवन कंट्रीज है जिनके साथ लैंड शेयर होती है और श्रीलंका ऐसी कंट्री है श्रीलंका ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा वाटर शेयर होता है है ना ये देखो ये पानी वाला नेबर है पानी वाला ये जो आपको कनेक्शन यहाँ दिख रहा है ये लैंड नहीं है देखो मैं यहाँ से एक बार ये 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 देखो जो आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है ये कोई लैंड का पीस नहीं है ये एक स्ट्रेट का क्रिएशन किया गया है ताकि इंडिया को श्रीलंका से आसानी से जाया जा सके वहां पे अदरवाइज यहाँ पे कनेक्शन केवल वाटर का है दैट इज वाई श्रीलंका हमारी एक कैसी नेबर है आइलैंड नेबर है तो जैसे ये हमारा आइलैंड नेबर है वैसे मॉल भी हमारा आइलैंड नेबर है आइलैंड नेबर ठीक है अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आर आई आईलैंड नेबर श्रीलंका एंड मॉल श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट क्या नाम है इस स्ट्रेट का पाक स्ट्रेट कई लोग इसे पॉक स्ट्रेट भी कहते हैं पॉक स्ट्रेट ठीक है अच्छा हमारे इतने सारे नेबर्स हैं जिसे आप कभी भी भूल सकते हो बड़ी आसानी से इसलिए इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है बच एम बी ए ब से बांग्लादेश च से चाइना प से पाकिस्तान एन से नेपाल एम से म्यांमार बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान ठीक है बचपन एम बी ए ये वो सेवन कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपना लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं श्रीलंका मॉल भी हमारे नेबर्स हैं बट वो आइलैंड नेबर्स हैं लैंड शेयर नहीं करते हैं ठीक है इसलिए इस ट्रिक को भी आप याद रख सकते हो अपने लैंड नेबर्स याद रखने के लिए लैंड वाले नेबर्स ठीक है यहां पे मैंने अभी बात करी थी पॉक स्ट्रेट की स्ट्रेट क्या होता है बच्चों वॉट इज स्ट्रेट तो मैं आपको बताऊं पहले मुझे यहां से घटानी पड़ेगी ताकि मैं स्ट्रेट की डेफिनेशन यहां लिख पाऊं ठीक है टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होता है नैरो पैसेज ऑफ वॉटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज एरियाज ऑफ वॉटर तो यहाँ जितना भी इंडिया का पानी है इस पोर्शन में और जितना भी श्रीलंका का पानी है ये दोनों सेक्शन या दोनों पार्ट ऑफ सी ज्वाइन हो रहे होते हैं और ऐसे ज्वाइनिंग पॉइंट पर जो भी छोटा सा पैसेज होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं ठीक है तो ये होता है स्ट्रेट तो यहाँ पे जो स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है उसे हम पॉक स्ट्रेट कहते हैं याद रखना पॉक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है किसी और कंट्री के बीच में नहीं है इंडिया और श्रीलंका के बीच में आता है स्ट्रेट ठीक है ये हो गया हमारे इंडिया के नेबर्स और अब अंत में बात करते हैं अपनी कंट्री के बारे में लोकेशनल सेटिंग्स के थ्रू ठीक है इंडिया इज लो, लोकेटेड इन द नदन हेमिस्फीयर आपको पता है हमने इमेजिनरी अपनी स्टडी और कन्वीनियंस के लिए अर्थ को दो हेमिसफेयर में डिवाइड किया हुआ है द नदन हमने ये बार बार पढ़ा भी है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज डिग्री नॉर्थ ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये देखो ये जा रही है केवल इंडिया से ही नहीं बहुत सारी कंट्री से पास होके जाती है क्योंकि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरे अर्थ का चक्कर लगाती है हम ऐसा मानते हैं कि ऐसे एक इमेजिनरी लाइन बना रखी है हमने ताकि हमारी स्टडी और आसान हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट वेजिटेशन सनराइज सनसेट एंड वेरियस अदर सीजनल स्टडीज ओके फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ एंड थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तो आपको पता है कि मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रही हूँ पहली बात फैक्ट नंबर वन आई एम टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स जो ऐसे होते हैं ठीक नॉट लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं ठीक मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रही हूँ जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं या वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं वो इमेजिनरी लाइंस विच गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट यू कॉल इट ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने आप में एक लैटिट्यूड ही है ठीक है अच्छा आपको पता है कि 23 डिग्री की लैटिट्यूड पर है तो यहां पे 22, 21 ऐसे करते करते जीरो तक यहां पर होगी नॉर्थ की लैटीट्यूड और इस जीरो डिग्री दैट इक्वेटर के नीचे शुरू हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साउथ डिग्री लैटिट्यूड है ना अच्छा इंडिया से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के साउथ से लेकर इंडिया के नॉर्थ तक लैटिट्यूड का क्या स्ट्रेच है दैट मींस इंडिया के साउथ पॉइंट पे सदर्न पॉइंट पे कौन सी डिग्री की लैटिट्यूड है और इंडिया के सबसे नॉर्थ पॉइंट पे कौन सी डिग्री की लैटिट्यूड है आंसर इज योर सबसे साउथ पॉइंट पे है एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ की लैटिट्यूड और सबसे नॉर्थ में है सबसे नॉर्थ में थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड अब आप सोच रहे हो दोनों में नॉर्थ नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों की दोनों लैटिट्यूड्स नदन हेमिस्फेयर में है इंडिया पूरा का पूरा नदन हेमिस्फेयर में लाइक करता है है ना हम इक्वेटर के ये इक्वेटर की लाइन है हम इक्वेटर के ऊपर आते हैं इसलिए हम नदन हेमिस्फेयर का पार्ट है और जो भी कंट्री इक्वेटर के नीचे आती है वो सदन हेमिस्फेयर का पार्ट होती है और वो अपने लैटिट्यूड्स में डिग्री साउथ लगाती है डिग्री साउथ हम लोग डिग्री नॉर्थ लगाते हैं हर चीज में क्योंकि हम लोग नदन हेमिस का पार्ट है ठीक है तो अगर हम लोग कभी भी लैटिट्यूड की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया वी विल ऑलवेज टॉक इन नॉर्थ डिग्री नॉर्थ 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 बिकॉज वी लाई इन दी नॉर्थ नदन हेमस्फेयर अब यही आपको अगर ऑस्ट्रेलिया की लैटिट्यूड्स बतानी होंगी तो आप हर चीज डिग्री साउथ डिग्री साउथ में बात करोगे ठीक है ये तो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो गया एक्सटेंट इफ आई आस्कू वॉट इज दैटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया यू विल से फ्रॉम एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट्स नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ इंडिया के साउथ से शुरू करें अगर तो डिग्री है एट डिग्री फोर मिनट्स नॉर्थ और इंडिया के सबसे नदन पोजिशन पे जो लैटीट्यूड है वो है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट नॉर्थ ठीक अब इसको इरेज करती हूं मैं ताकि मैं आपको लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट भी एक्सप्लेन कर सकूं ठीक है लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन से लेकर इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन तक इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स इंडिया का लॉन्गिट्यूडेल मतलब ऐसे ऐसे वाली लाइन लंबी लंबी इमेजिनरी लाइन है ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट अब आप कहोगे इसमें ईस्ट ईस्ट क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जैसे अर्थ नदन हेमिसफेयर और सदन हेमिसफेयर में हमने डिवाइड किया है अपनी स्टडी के लिए वैसे ही अर्थ वेस्टर्न हेमिसफेयर और ईस्टर्न में भी डिवाइडेड है हमारी ईज एंड कन्वीनियंस स्टडी के लिए और इंडिया कंप्लीटली ईस्टर्न हेमिसफेयर में लाइक करता है दैट इज वाई हम अपनी लॉन्गिट्यूड में ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ईस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको अमेरिका की लैटिट्यूड बतानी होगी तो आप बोलोगे डिग्री वेस्ट डिग्री वेस्ट क्योंकि वो एक वेस्टर्न कंट्री है वो वेस्टर्न हेमेस्फेयर में लाइक करती है वेर आज इंडिया लाइज कंप्लीटली इन दी ईस्टर्न हेमस्फेयर ठीक है तो इंडिया को सॉरी वर्ल्ड को अपनी स्टडी एंड कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने नदन एंड साउथ हेमेस्फेयर में डिवाइड किया है और वेस्ट एंड ईस्ट हेमेस्फेयर में डिवाइड किया है इसी के साथ मैंने आपको इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो एक्सप्लेन करा ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए इसलिए प्लीज अपनी नोट्स की कॉपी में या अगर आपका कोई बोर्ड है जहां आप इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के रखते हो इसे प्लीज लिख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मूविंग ऑन इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इंटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर विच इंडिया बिलोंग टू मैंने अभी आपको बताया अगर हम दुनिया को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस में डिवाइड करते हैं चलो फटाक से बताओ कि इंडिया कौन से हेमेस्फेयर में आएगा ईस्टर्न में इसीलिए तो हम अपनी हर लॉन्गिट्यूड में ई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वी बिलोंग टू ईस्टर्न हेमिसफेयर नाउ ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ अबाउट ट्वेंटी नाइन डिग्री देर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया अगर आप इंडिया की बात करो तो मैंने आपको बताया हमारा लॉन्गिट्यूट एक्सटेंट लगभग लगभग 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री के बीच में है है ना किसके बीच में है 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो लगभग 29 डिग्री का डिफरेंस है और अगर इतना बड़ा डिफरेंस है मतलब इंडिया का ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का इतना बड़ा एक्सटेंट है अगर अपने वेस्टर्न बॉर्डर की बात कर रही हूं मैं ईस्ट बॉर्डर से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो ऐसा हो सकता है ना कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं स्टेट्स उनके बीच टाइम का काफी गैप होता हो दैट मीन्स ईस्टर्न स्टेट में अगर हम अरुणाचल प्रदेश लें और वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर हम गुजरात की स्टेट लें तो हो सकता है इन दो स्टेट्स में टाइम में काफी डिफरेंस आ जाता हो क्योंकि अरुणाचल क्योंकि ईस्ट में बिलोंग करता है वो ज्यादा ईस्ट की तरफ है तो सनराइज या सन की रे अरुणाचल में पहले दिखती होंगी और गुजरात में बाद में दिखती होंगी क्योंकि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट सन जो है वो पूरब की तरफ से आता है है ना ईस्ट की तरफ से आता है और क्योंकि वो ईस्ट की तरफ से आता है और अरुणाचल ईस्ट में ज्यादा ईस्ट में बिलोंग करता है इसलिए अरुणाचल प्रदेश को सन रे पहले दिखती होंगी इन कंपैरिजन टू गुजरात तो ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच टाइम का काफी गैप आता हो नाउ एज सच डिफरेंस एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट वुड बी ऑफ अबाउट टू आवर्स अगर हम इन दोनों की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज को देखें ये 97 डिग्री पे है और ये 68 डिग्री पे है अगर हम इनकी लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस को देखें तो लगभग लगभग दो घंटे का गैप है दोनों स्टेट्स के बीच में दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश में सुबह जब हो जाती है उसके दो घंटे के बाद गुजरात में सुबह शुरू होती है दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश अपनी पहली फर्स्ट सन रे जब देखता है गुजरात उसी को आफ्टर टू आवर्स देखता होगा इतना गैप है इन दो स्टेट्स के बीच में बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूड गैप ओके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का चैप्टर पढ़ा था मैंने आपको वहां पे भी बताया था डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल्स टू फोर मिनट्स ऐसा क्यों होता है बेटा क्योंकि क्योंकि हमने पूरे अर्थ पे 360 डिग्री की लॉन्गिट्यूड बना रखी हैं इमेजिनरी और आपको पता है अर्थ अपना पूरा एक स्पिन कंप्लीट करता है 24 फोर आवर्स में दैट मींस इंडिया सॉरी वर्ल्ड पूरी 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करता है 24 फोर आवर्स में तो अगर आप 360 को 24 से डिवाइड करो सो यू गेट फोर दैट इज वी नो कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच अगर आप जाओगे सो विल बी अ डिफरेंस डिफरेंस ऑफ मिनट का difference होगा एक डिग्री से एक डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड के बीच में वी हैव लर्न दिस कि लॉन्गिट्यूड का टाइम से बहुत ज्यादा कनेक्शन है क्योंकि आप जितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड स्किप करते जाओगे टाइम भी चेंज होता जाएगा दैट इज वाई ईस्टर्न कंट्रीज में टाइम गेन होता रहता है और वेस्टर्न कंट्रीज में टाइम पीछे रहता है आपको पता है कि इंडिया में जब चार बज रहे होंगे तब इंग्लैंड में चार नहीं बज रहे होंगे है ना तब शायद इंग्लैंड में लगभग साढ़े दस ग्यारह बज रहा होगा है ना क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड में टाइम का बहुत फर्क है क्यों फर्क है क्योंकि दोनों की लॉन्गिट्यूड अलग है और लॉन्गिट्यूड और टाइम का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है ठीक है एट डिग्री लॉन्गिट्यूड से दूसरी डिग्री लॉन्गिट्यूड तक आप जाओगे तो चार मिनट का डिफरेंस ऑलरेडी आ चुका होता है और इसी मैथमेटिक्स से हमने देखा था कि कैसे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच दो घंटे का गैप है दो घंटे का गैप बताया मैंने इसी बेसिस पे बताया था क्योंकि 97 डिग्री से 68 मिनट्स के बीच जितनी भी लॉन्गिट्यूड जाती हैं हर लॉन्गिट्यूड के बीच फोर मिनट्स का गैप है तो अगर यहाँ पे लगभग लगभग 29 डिग्रीज का गैप है आप इसको फोर से मल्टीप्लाई करके देख लो लगभग दो घंटे का ही डिफरेंस रहा होगा ठीक है सो यू हैव ईस्ट अरुणाचल प्रदेश दैन इन वेस्ट गुजरात हेंस द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में दो घंटे पहले ही सूरज उग जाता है और गुजरात में बाद में उगता है तो हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे हमें कोई एक मिड पॉइंट कोई एक सेंटर पॉइंट चाहिए होगा तो हमने उस लॉन्गिट्यूड को चुना जो लगभग लगभग इंडिया के सेंटर से जाती है और वो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट ये वो लॉन्गिट्यूड है जो इधर भी बैलेंस करती है इधर भी बैलेंस करती है ठीक है दिस मेरिडियन और this is also as the of India. इसे हम of India भी कहते हैं क्योंकि यही वो मेरिडियन है जिसके बेसिस पे इंडिया में हर क्लॉक की टाइमिंग को सेट किया गया है ठीक है तो ये हो गया हमारा लोकेशनल टाइम और अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया का तो चलो ईस्ट से वेस्ट के बीच कुछ 2,900 किलोमीटर का स्ट्रेच है है ना? इतना ही स्ट्रेच है ईस्ट से वेस्ट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका स्ट्रेच 5,000 से भी ज्यादा है ऐसी कंट्रीज कैसे मैनेज करती होंगी अपने टाइम जोन को सो लेट मी टेल यू द लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री ऐसी कंट्रीज जिनका ईस्ट से वेस्ट का स्ट्रेच बहुत ज्यादा है दैट मींस वो कंट्रीज बहुत बड़ी हैं अपने आप में कवरिंग फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ऐसी कंट्रीज न केवल एक बल्कि मल्टीपल टाइम जोन रखती हैं, मल्टीपल टाइम जोन ठीक है आई नो सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मैनेज करते होंगे बट ओवर उन्हें प्रैक्टिस हो गई है इस चीज को मैनेज कर पाने की ठीक है यूएसए एंड कैनेडा दोनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में है द यूएसए एंड कैनेडा है यूएसए में सेवन टाइम जोन है प्लीज रिमेंबर दिस नंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूएसए में सेवन टाइम जोन है और कैनेडा में सिक्स टाइम जोन्स हैं ठीक है डू यू नो हाउ मेनी टाइम जोन आर देयर इन रशिया क्योंकि अगर आपने रशिया को वर्ल्ड मैप में देखा है तो उसका स्ट्रेच बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ही बड़ा स्ट्रेच है रशिया का भी तो क्या लगता है आपको रशिया में कितने टाइम ज़ोन्स होंगे ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है अंडरस्टैंड करने में बट दिस इज द reality दैट वो कंट्रीज अपने आप में इतनी वास्ट हैं कि जहां एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट में ऑलरेडी सूरज उग चुका होता है वहां उनकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट अभी नाइट भी कंप्लीट नहीं होती उनकी और इतने बड़े गैप की वजह से उन्हें मल्टीपल टाइम जोन रखने पड़ते हैं दैट इज वाई यूएसए है ओके सो एट द चैप्टर लेट्स रीकॉल द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस क्योंकि पहले भी बोला है रिविजन के बिना सारी लर्निंग खराब हो जाएगी इफ यू विल नॉट रिवाइज इट ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर वन से फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली दैट मीन यू हैव टू आंसर इन ब्रीफ इन शॉर्ट आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ होंगे आप सबका आंसर खुद बनाइए एंड यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर विदर आई है ओके आप अपना खुद का आंसर भी बना सकते हो यू डू नॉट हैथिंग यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर जस्ट क्रॉस चेक कि आपका कोई फैक्ट गलत ना हो दैट्स इट ओके ऑल राइट पार्ट नंबर ए इज नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आपको इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स बताने हैं फिजिकल डिविजन्स ठीक है और यहाँ पे फिजिकल फीचर्स नहीं पूछे जा रहे केवल फिजिकल डिविजन्स भी बताने हैं आपको ठीक और ये हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि इंडिया के पास बहुत सारे फिजिकल डिविजन हैं,

हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ये और हमने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले जो कंट्रीज हैं जिन्हें हम नेबर्स भी कहते हैं उनके नाम बताने हैं सो द आंसर इज पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना नेपाल भूटान म्यांमार एंड बांग्लादेश ठीक है इसका मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था बचपन एमबीए क्या बताया था बा से बांग्लादेश च से चाइना पा से पाकिस्तान एन से नेपाल एम से म्यांमार बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान बचपन एमबीए एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है अगर आपको ट्रिक से याद नहीं होता आपको ऐसे याद हो सकता है आप ऐसे भी याद कर सकते हो ठीक मैप को हमेशा दिमाग में रखा करो कई बार मैंने बोला है इंडिया के पूरे मैप को ध्यान में रखो कि अगल बगल कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको फटाफट सब याद आ जाएगा ठीक है सी पार्ट विच टू मेजर रिवर्स फॉल इन टू द अरेबियन सी मैंने आपको बताया था दी हैव टू सी इधर अरेबियन सी है ऑन द वेस्टर्न साइड एंड ऑन द ईस्टर्न साइड वी हैव बे ऑफ बंगाल बे ऑफ बेंगाल और आपको पता है ये रिवर्स जो इंटरनली खत्म नहीं होती उन रिवर्स को छोड़कर बाकी सारी रिवर्स या तो अरेबियन सी में जाके फॉल करती हैं या तो बे ऑफ बंगॉल में जाके फॉल करती हैं ठीक है और आपको वो दो मेजर रिवर्स के नाम बताने हैं जो अरेबियन सी में जाके फॉल करती हैं ठीक नेम्स आर नर्मदा एंड तापी जैसे हम तापी भी कहते हैं नर्मदा एंड तापी आर द मेजर टू रिवर्स दैट फॉल इन टू सॉरी अरेबियन सी नॉट इंडियन ओशन अरेबियन सी ओके पार्ट नंबर डी नेम द डेल्टा बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वेरी इजी क्वेश्चन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जब मिलते थे आके और एक डेल्टा बनाते थे उस डेल्टा का आपको नाम बताना है डेल्टा दी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है ना चैप्टर में भी हमने देखा था कि कैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक डेल्टाइक क्रिएशन करते हैं और उसी डेल्टाइक क्रिएशन को सुंदर का नाम दिया गया ठीक और ये वही डेल्टाइक रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा और सबसे सुंदर रॉयल बंगाल टाइगर्स भी पाए जाते हैं ठीक है ई पार्ट ई ई पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं? आपको उसका नंबर बताना है ठीक सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जिनके पास एक कॉमन कैपिटल है दैट मीन कोई ऐसी कैपिटल जो नंबर ऑफ स्टेट्स शेयर करते हो आपको ये बताना है ठीक फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कितनी स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और एट यूनियन टेरिटरीज हैं एट पहले सेवन हुआ करती थी ठीक है पर ये जम्मू एंड कश्मीर और ले दोनों यूनियन टेरिटरीज में क्रिएट हो गई इसलिए अब नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एट हो चुका है और स्टेट्स ट्वेंटी एट है पहले ट्वेंटी नाइन स्टेट होती थी पर जे एन के को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इसलिए ये यूनियन टेरिटरी है तो वी हैव ट्वेंटी एट स्टेट एंड एट यूनियन टेरिटरी एट एट लास्ट में दोनों के एट एट आ रहा है इससे आप याद रख सकते हो ठीक अच्छा अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे दैट मीन्स आपको उन स्टेट्स का नाम बताना है जो अपनी कैपिटल को शेयर करती हैं ठीक है सो द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आपको पता है दोनों की ही कैपिटल क्या है चंडीगढ़ है दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ और कमाल की बात यह है कि चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरी है और हर यूनियन टेरिटरी का एक हेडक्वार्टर होता है है ना हर यूनियन टेरिटरी का एक हेडक्वार्टर भी होता है तो चंडीगढ़ क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है तो इसका भी हेडक्वार्टर होगा और इसका हेडक्वार्टर कहां पर इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में ही है ठीक है तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का हेडक्वार्टर भी क्या है चंडीगढ़ ठीक है सो पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ ये तीनों ऐसी स्टेट्स एंड सिटी हैं जो अपनी कैपिटल को शेयर करती हैं दे हैव अ कॉमन कैपिटल ठीक है मूविंग ऑन एफ पार्ट वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा है और ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी है कि ज्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहती है बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन दॉर्म नॉर्दन प्लेन्स ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया भी था उत्तर प्रदेश द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश खुद नदन प्लेन्स की एक स्टेट है है ना नदन प्लेन्स में ही लोग ज्यादा रहना क्यों प्रेफर करते हैं या फिर वहीं पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों होती है सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन दी नदन प्लेन्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन कुछ रीजन है यहाँ पे मेजर मैंने जो आपको आपके लिए यहाँ पॉइंट आउट कर दिए है यू कैन राइट इन द सेम मैनर यू कैन एड योर पॉइंट इज वेल फर्टाइल लैंड प्रोवाइड फेसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इट सस्टेन्स मोर पीपल क्योंकि नदन प्लेन्स अलूवियल सॉइल से बनी हुई है मेजरली बहुत सारी टाइप की और भी सॉइल मिलती है बट मेजर प्रोपोजिशन अलूवियल सॉइल का होता है और वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल कर देती है लैंड को दैट इज वाई एक बहुत ही अच्छी फेसिलिटी मिल जाती है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए और आपको पता है कि इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर ही बहुत बड़ा सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट का है ना एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सेक्शन अभी भी एग्रो बेस्ड है हमें एग्री बेस्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर में काम करती है हाँ जी में कॉन्ट्रीब्यूशन या कह सकते हो आप इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी एक बहुत बड़ा टर्म हो सकता है आपके लिए बट इकोनॉमी में बहुत बड़ा प्रॉफिट भले ही एग्रीकल्चर से नहीं आता है पर वर्कफोर्स अभी भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर के सेक्शन में है और इस वजह से फर्टाइल लैंड होने की वजह से ज्यादातर लोग नदन प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं और आसानी से वहां रह पाते हैं खाना बन उगा लेते हैं बेच के अपनी इंप्लॉयमेंट भी हो जाती है और उसी उगाए हुए खाने को वो लोग खा भी सकते हैं है ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर डेवलप्ड हियर दे प्रोवाइड मोबिलिटी टू पीपल और जहां पर आप खुद सोचो जहां पर फार्मिंग हो रही है वहीं से सप्लाई होगा खाने का और इस सप्लाई के लिए यू नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा ताकि उसी फार्म का फार्म प्रोड्यूस का सप्लाई हो सके है ना उस प्रोड्यूस का सप्लाई हो सके इसलिए यू नीड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज यू नीड कम्युनिकेशन तो नदन प्लेन्स के रीजन में ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है इसलिए भी इट इज इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द पीपल टू हैव अ मोबिलिटी वो इधर उधर आ जा सकते हैं खाना सप्लाई कर सकते हैं बहुत बड़ी फैक्ट्री बना सकते हैं अपना मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं इसलिए भी बहुत सारे लोग नदन प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं ऑपरचुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन द प्लेन्स प्लेन एरिया में इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज की बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं हाँ ये बात सच है कि अगर आपको सर्विस सेक्टर ज्वाइन करना है तो आपको बैंगलोर पुणे मुंबई हैदराबाद ऐसी टेक सिटीज में जाना पड़ता है बट इवी टॉक अबाउट टॉक अबाउट एग्री सेक्टर अगर एग्री सेक्टर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको द नदन प्लेन इज द बेस्ट एरिया है ना क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फर्टाइल लैंड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा है फैक्ट्रीज यहां ज्यादा है मैन्युफैक्चरर्स यहां ज्यादा है इस वजह से आपको इम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है एंड लेट मी टेल यू यहाँ एग्री बेस्ड इकोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि नदन प्लेन्स में हर कोई फार्मर है ऐसा नहीं है बेटा फार्मर से खाना बनता है और फिर खाने से फैक्ट्रीज का क्रिएशन होता है वो फैक्ट्रीज है जो इस गेहूं को बेचने का काम करेंगी उस गेहूं का आटा बनाएंगी बहुत सारी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स क्या करेंगे जो भी पल्सेस का कल्टीवेशन हो रहा है उन पल्सेस को पैकेज पैकेट्स में डालेंगे पैकेज सामान की मैन्युफैक्चरिंग होगी है ना इस वजह से ऐसी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में जो आपको इंप्लॉयमेंट ऑपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी नदन प्लेन में ज्यादा हो जाती है ठीक एक और बहुत बड़ा पॉइंट वॉटर इज इजीली अवेलेबल पानी आसानी से मिलता है क्योंकि नदन प्लेन की मैक्सिमम रिवर्स पेरीनियल है सारी रिवर्स यहाँ पे पेरीनियल है, है ना बहुत सारी ऐसी रिवर्स होती हैं जो पेरीनियल बारो मास नहीं बहती ठीक कभी कभी वो बीच में ड्राई हो जाती हैं या उनका फ्लो कम हो जाता है या फिर वो रेन पर डिपेंडेंट होती है कि रेनफॉल होगी तो फिर रिवर स्वेल होगी रेनफॉल नहीं होती तो उस रिवर में कम पानी रहता है पर नदन प्लेन्स की रिवर्स में ऐसा केस नहीं है दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लडेड विद वाटर हमेशा उनके पास बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ वॉटर रहता है और क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत आसानी से हो सकता है इसलिए इरिगेशन की फैसिलिटी भी यहाँ अच्छी होती है नदन प्लेन के रीजन में इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी बाकी एरियाज के कंपैरिजन में आसान होती है फिर इंडस्ट्रीज जो है वो इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है स्पेशली दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है नदन प्लेन्स के रीजन में तो जब आपको इतने सारे फैक्टर्स मिलते हैं सस्टेनेबिलिटी के मोबिलिटी के एम्प्लॉयमेंट के अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के तब आप जाहिर सी बात है ऐसे एरिया में ही रहना पसंद करोगे ठीक है एंड दैट इज वाई देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल

climate and sea water is suitable for the growth of polyps. Polyps के लिए जो climate लक्षद्वीप में मिलता है और जो sea water है वहां का it is very suitable. आसानी से polyps वहां grow कर सकते हैं और जब polyps grow करेंगे वो एक living creature है वो एक living creature है जब वो grow कर रहे हैं तो वो उनकी वो die भी करेंगे right? They will die up. and when they'll die उनके स्केलेटन्स वहां पाइलअप हो जाते हैं और क्योंकि पॉलिप्स बहुत छोटे होते हैं साइज में दिखते भी नहीं है बट वो लिविंग होते हैं ठीक है जस्ट लाइक इन लाइकिया दिखते नहीं है क्लियरली पर जब तक वो बहुत ज्यादा अक्यूमलेट नहीं हो जाते तब तक, तक आपको नहीं दिखते हैं वही हाल पॉलिप्स का भी है लिविंग क्रीचर होते हैं ग्रोथ होती है और जब एक साथ बहुत सारे इकट्ठे होते हैं केवल तभी वो दिखना शुरू होते हैं ठीक है तो जब पॉलिप्स की डेथ हो जाती है और उनके स्केलेटन्स पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं तो मिलियंस ऑफ पॉलिप्स जब मिलियंस ऑफ पॉलिप्स के स्केलेटन जब पाइलअप हो जाते हैं तो वो ऐसे कोरल का क्रिएशन कर लेते हैं और ऐसे ही ढेर सारे कोरल मिलके लक्षदीप का क्रिएशन करते हैं एंड दैट इज वाई लक्षदीप इज अ कोरल आइलैंड बिकॉज द इंटायर आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल रीफ्स और ये कोरल रीफ्स कैसे बने हैं उन पॉलिप्स के स्केलेटन से वो पॉलिप्स जो इन सी वाटर पे आसानी से ग्रो कर पा रहे थे आसानी से ग्रो कर पा रहे थे और फिर जब उनकी डेथ हुई मिलियंस ऑफ पॉलिप्स के स्केलेटन जब इकट्ठे हुए तो फिर वो एक आइलैंड का क्रिएशन कर चुके थे ठीक है तो ये था लक्षदीप को, कोरल आइलैंड क्यों कहा जाता है ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन था ब्रीफली आंसर्स वो खत्म हो गया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे जिसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है आपको सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुनना है स्टेटमेंट थ्री ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू विल बेस्ट ऑप्शन और द करेक्ट ऑप्शन ठीक है ऑल राइट right, तो ए पार्ट क्या कह रहा है द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज डैश हमने जब लॉफ्टी हिमालयाज को पढ़ा था तो तीन रेंजेस पड़ी थी है ना और आपको सदर्न मोस्ट हिमालय जो सबसे लास्ट रेंज है उसका नाम बताना है Options are शिवालिक्स, हिमादरी एंड हिमाचल मैंने आपको एक बहुत अच्छे क्लू के साथ ये समझाया था प्लीज गलत मत करना नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं गो बैक टू द चैप्टर रिवाइज इट एंड कम बैक शिवालिक्स, ठीक है मैंने आपको बताया था हिमादरी द ग्रेटर हिमालय हिमाचल द मिडिल हिमालय और वहीं पे हिमाचल प्रदेश भी है एंड देन कम्स द शिवालिक्स ठीक है सबसे यंगेस्ट रेंज है शिवालिक्स जहां पे उत्तराखंड है ठीक ऑल राइट right. बी पार्ट सहयाद्रीज इज ऑल्सो नोन एज डैश सहयाद्री रेंज किसको कहा जाता है ऑप्शन आर अरावली वेस्टर्न घाट्स या हिमाद्री सहयादरी याद करने की कोशिश करो आंसर इज द वेस्टर्न घाट्स जो ये वेस्टर्न घाट का पूरा पोर्शन है ये वाला रीजन इसी को हम सहयाद्री का नाम देते हैं ठीक है इसी को हम सहयाद्री बोलते हैं सी पार्ट द पॉक स्ट्रेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज स्ट्रेट के बारे में भी पढ़ा है हम लोगों ने मैप की हेल्प से और आपको बताना है स्ट्रेट कौन सी कंट्रीज के बीच लाई करता है ऑप्शन आर श्रीलंका एंड मॉलदीव्स इंडिया एंड श्रीलंका इंडिया एंड मॉलदीव्स आंसर इज इंडिया एंड श्रीलंका हमने पढ़ा था ये जो इंडिया का डेकन पोर्शन है और यहीं से जो ये श्रीलंका का पार्ट जाता है ये जो ये बीच का स्ट्रेट है ना इसी को पॉक स्ट्रेट कहा जाता है ठीक है मैप की हेल्प से सब कुछ याद रखने की कोशिश करो कभी नहीं भूलोगे ठीक रट्टाफाई मत करो मैप की इमेज को अपने दिमाग में रखो आंसर है श्रीलंका इंडिया एंड श्रीलंका डी पार्ट द इंडियन आइलैंड्स इन दी अरेबियन सी आर नोन एज डैश तो आपको उन आइलैंड्स का नाम बताना है जो अरेबियन सी में है हमारे पास दो सी एरियाज हैं पहला है हमारे पास अरेबियन सी और दूसरा है हमारे पास बे ऑफ बंगाल और हमने पढ़ा था कि दोनों ही सीज में हमारे पास आइलैंड है राइट अब आपको बताना है कि अरेबियन सी वाले पोर्शन में कौन से आइलैंड्स थे ऑप्शंस आर एंड निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप आइलैंड्स मॉल क्या आंसर होगा आंसर इज लक्षद्वीप आयलैंड यहां पर लक्षद्वीप है अरेबियन सी में और उधर है एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड्स ठीक है अच्छा अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा था कि लक्षद्वीप क्या लक्षद्वीप उसका आंसर है तो एक और तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड दैट वाज फर्स्ट ऑप्शन को देखो एंडमेन निकोबार and आपको पता है कि एंडमेन निकोबार and तो बे ऑफ बंगाल में है तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया फिर आते हैं मॉलडीव पे मॉलडीव अपने आप में एक कंट्री है वो इंडिया के आइलैंड्स नहीं है वो आइलैंड कंट्री है पर वो अलग कंट्री है वो इंडिया का पार्ट नहीं है है ना तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया क्या बचता है लक्षदीप तो ये भी आंसर आप निकाल सकते थे ठीक है एनी लास्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन ई पार्ट द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया ओल्डेस्ट बतानी है सब लोग फटाफट हिमालयाज बोल देते हैं ध्यान से सोचो ओल्डेस्ट कौन सी है ऑप्शन आर अरावली हिल्स द वेस्टर्न घाट्स एंड द हिमालया सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है अरावली हिल्स क्योंकि जब इंडिया की प्लेट वो जो बड़ी सी प्लेट है इंडिया की जब वो दूसरी प्लेट से मिल रही थी तब अरावलीस का क्रिएशन हुआ था बाद में जाके हिमालयास का क्रिएशन हुआ ठीक है अरावली का क्रिएशन पहले हुआ था तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की जो है वो अरावली हिल्स है क्वेश्चन क्वेश्चन right? भी खत्म थर्ड पे पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कोई अवेलेबल नहीं है आपको अपने दिमाग से स्टेटमेंट को याद करते हुए करेक्ट वर्ड से इस स्टेटमेंट को फिल करना होगा डोंट वरी एवरी लाइन इज फ्रॉम द चैप्टर तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं बाहर से दे दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पार्ट से इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट डैश मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था एरिया जो है लैंड एरिया जो है इंडिया का उसको याद करने की कोशिश करो और मैंने बोला था कि आपको डेसिमल वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से रटने की जरूरत नहीं है बट लगभग लगभग एक आइडिया रखना था क्या किसी को वो याद है नहीं याद है गो बैक टू द चैप्टर मैं यहाँ आंसर बता देती हूँ थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक है ऑल राइट सेकेंड पार्ट द ग्रेटर हिमालयास आर ऑल्सो एज तीन रेंज ऑफ हिमालय पड़े थे है ना वो ग्रो हुए ग्रेटर मिडिल शिवालिक्स अब आप ये बताओ कि ये जो ग्रेटर वाले पार्ट है इसका एक और निक नेम था वो क्या था बताओ हिमादरी हमने बताया था हिमादरी हिमाचल एंड शिवालिक्स यही नाम थे तीनों रेंजेस ऑफ हिमालयास के ठीक है थर्ड पार्ट द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया एरिया के बेसिस पे लार्जेस्ट स्टेट बतानी है एरिया के बेसिस पे आंसर इज राजस्थान ठीक फोर्थ क्वेश्चन रिवर नर्मदा फॉल्स इन टू द आपको वो सी का नाम बताना है सो इट विल इटव बी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल याद करने की कोशिश करो कि नर्मदा किसमें फॉल करती थी अरेबियन सी में अरेबियन सी ओके द रिवर नर्मदा फॉल्स इंटू द अरेबियन सी

अब आप कहो मैप कैसे करेंगे हम लोग तो आप सबके पास कोई ना कोई एक मैप जरूर होगा अगर नहीं है तो इस स्क्रीन को जूम इन करके इस मैप पे मैपे जो डिजिटली आपको मैप यहां दिख रहा है आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है यहाँ पे मैंने बहुत आसान से आपको चॉइसेस दे रखी सॉरी क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको इन्हें पे मार्क करके दिखाना है मैं भी करके दिखाऊंगी पर पहले आपको ट्राई करना है बात आती है मैप स्किल जरूरी क्यों है क्योंकि आप याद तो कर लोगे कि यहां पे ये स्टेट थी ये स्टेट थी पर अगर आप मैप को देखोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा आप ये भी नहीं बता पाओगे कि आपकी रेसिडेंशियल स्टेट कहां पर है तो इसलिए आपको एप्लीकेटिव लर्निंग हो आपको एक्चुअल में भी पता हो कि कौन सी चीज कहां पर है कहां नहीं है सिर्फ थ्योरी नहीं सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं आपको एप्लीकेशन में भी वो चीज पता हो कि वो कहां पर है कहां नहीं इसलिए मैप स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके फर्स्ट पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर पूछा गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया फिर पूछा है द स्टेट इन विच यू लिव फिर आपको मार्क करना है एंडमन आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स और लास्ट में आपको मार्क करना है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं आपने बार बार इनको देखा भी है पूरे चैप्टर में मैप्स के थ्रू इसको देखा भी है और आपको मैंने कई बार ये बताया भी है ठीक है कोशिश करो अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं अभी जब आंसर बताऊंगी आप उससे रेक्टिफाई कर लेना मिस्टेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो बहुत गलत बात है ठीक पॉज करो वीडियो को सारे पॉइंट्स को अटेम्प्ट करो फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ ठीक है आंसर मार्क करते हैं अब ए पार्ट है ट्रॉपिक ट्रो, ऑफ कैंसर जो यहाँ ऑलरेडी अगर किसी ने चैप्टर में ध्यान से मेरी बात सुनी हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू कट करता है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ ठीक ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लीज देख लीजिएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है यहाँ पे आपको गुजरात दिख रहा होगा छोटे से पार्ट सा राजस्थान भी है एमपी भी है छत्तीसगढ़ भी है उड़ीसा भी है वेस्ट बंगाल भी है त्रिपुरा भी है मिजोरम भी है

और उत्तर प्रदेश की एक स्टेट है मिर्जापुर सॉरी उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर उससे पास करता हुआ जाता है और श्रीलंका के ईस्टर्न बॉर्डर को भी टच करता है ठीक इस तरीके से आप अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन को मार्क करिएगा ठीक यहाँ पे स्केल काफी छोटा है अगर आपके मैप पे आपको विजिबली दिख रहा है 82 के आसपास कहीं डिग्री बनी हुई है तो वहां से आप उसको मार्क करना शुरू करिएगा ओके अब आपको बताना है वो स्टेट जहां आप रहते हैं तो मैं आपको सारी स्टेट्स एक बार फिर से बता देती हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी स्टेट कहां पर है मुझे तो नहीं पता आप कहां कहां रहते हो है ना हो सकता है आप आसाम में रहते हो हो सकता है आप आंध्र प्रदेश में रहते हो हो सकता है आप महाराष्ट्र में रहते हो मैं आपको सारी स्टेट्स एक बार बता देती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएंगी ठीक है अच्छा ये वाला पोर्शन जरा सा हटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है तो ये हो गया आपका जे और ये हो गया आपका ले एरिया ठीक है ये पूरा लेह एरिया और ये हो गया आपका जे एन के अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड एरिया है लेकिन उसको अभी हम बात नहीं करते हैं। ओके तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया आपकी लेह की यूनियन टेरिटरी फिर है आपका ये हिमाचल प्रदेश मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिख पाऊंगी इसलिए प्लीज स्टे विथ मी मेरे साथ साथ मैं आपको देखते चलो नहीं तो स्टेट छूट जाएगी मैप इतना छोटा है कि मैं सारी स्टेट्स के बड़े बड़े नाम नहीं लिख सकती इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं ध्यान देना हिमाचल प्रदेश उसी के बगल में है पंजाब हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है उत्तराखंड और यही बगल में है हरियाणा और यहाँ पंजाब हरियाणा उत्तराखंड के जस्ट बीच में आता है दिल्ली ठीक यहाँ पे आपकी कैपिटल है इंडिया की दिल्ली फिर है ये उत्तर प्रदेश फिर है ये बिहार बिहार के जस्ट नीचे है झारखंड और यहाँ उत्तर प्रदेश के नीचे आता है एमपी एमपी के जस्ट बगल में आता है छत्तीसगढ़ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ठीक है झारखंड के जस बगल में आता है बंगाल, बंगाल के जस्ट नीचे आता है उड़ीसा, उड़ीसा के जस्ट नीचे आता है आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बगल में है केरला केरला के बगल में है कर्नाटका कर्नाटका के यहाँ कोने में छोटा सा है गोवा और कर्नाटका के इस तरफ है तेलंगाना यह है आपका महाराष्ट्र ये है हमारा गुजरात यह है हमारा राजस्थान अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट पे ये है हमारा सिक्किम ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ये वाली स्टेट है असम ये जो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है ये है मेघालय ठीक और यहां पर ये जो तीन तीन स्टेट्स हैं ना मानी मिजो ना मानी मिजो नागालैंड मणिपुर मिजोरम और मिजोरम के जस्ट बगल में आता है त्रिपुरा ये है इंडिया की सारी स्टेट्स अब आप जहां पे भी रहते हो उसे मार्क कर लो ठीक है डी पार्ट पूछा गया है एंडमेन एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको पता है एंडमेन आइलैंड्स ये हैं क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में होते हैं और लक्षद्वीप होंगे यहीं कहीं क्योंकि वो होते हैं अरेबियन सी में ठीक वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट ये तो बहुत ही आसान है ये पूरा पोर्शन जो ये मैं रेड इंग से मार्क कर रही हूँ देखो जी बना रही हूं ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स ये है पूरा घाट का रीजन ये हो गया ईस्ट साइड के घाट ईस्टर्न घाट वेस्ट साइड के घाट्स वेस्टर्न घाट मैप स्किल्स ओवर ठीक है किसी ने अगर कुछ गलत मांग कराया उसको ठीक कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी के साथ ये वाला चैप्टर आर कंट्री इंडिया खत्म होता है थैंक यू रिवाइज वेल हैर्निंग वील सी यू इन द नेक्स्ट वन